उत्तर प्रदेश के रामपुर में यातायात माह के चलते आज दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला द्वारा गांधी समाज पर कैंप लगाकर यातायात जागरूकता हेतु गोष्ठी का किया गया आयोजन, जिसमें शहर के व्यापारी मंडल, ट्रांसपोर्टर, ई रिक्शा चालकों, स्कूली बस चालकों को यातायात नियमों संबंधित जानकारी देते हुए आह्वान किया गया कि हम लोग वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें तथा दूसरे वाहन चालकों के सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इस अवसर पर वाहन चालकों को आँखों का निःशुल्क परीक्षण कराया गया तथा जो लोग दो पहिया वाहन पर हेलमेट नहीं लगाते उनको मुफ्त हेलमेट देकर लोगों में हेलमेट लगाने का संदेश दिया गया एवं जागरूकता गोष्ठी में उपस्थित RTO रामपुर द्वारा लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यातायात पुलिस मित्र बनाकर महोदय द्वारा कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी यातायात अनुज कुमार चौधरी, प्रभारी यातायात सतीश कुमार, उपनिरीक्षक यातायात सुमित कुमार सहित RTO कार्यालय के यातायात पुलिस कर्मचारी, शहीद जनपद के अन्य सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद रहे। और मैंने ब्यूरो रिपोर्ट जोर दिया है, लोगों से दरख्वास्त किया है कि यातायात के नियमों के पालन को अपने व्यक्तित्व में इंकल्केट करें, एक ट्रैफिक सेंस डेवलप करें, एक सिविल सेंस डेवलप करें। हम इस पर न देखते रहे, कोई नहीं देख रहा है तो मैंने हेलमेट लगाया, कोई नहीं देख रहा है तो हम सीट बेल्ट लगाए। हम स्वतः एक आत्मारोपित जो नियंत्रण होता है उसकी मैंने अपील किया है और मैंने ये कहा है कि भाई अगला कर रहा हो ना कर रहा हो आप करिए, हम करेंगे, अगले 10 से हम करवाएंगे। ये तो ये संकल्प हम लोगों ने लिया है कि स्वतः पालन करें, कभी कभी होता नहीं कि पालना नहीं कर रहे हम क्यों करें, तो हमें उससे नहीं इंस्पायर होना है, हमें ये होना है मैं करूँगा और मैंने जो है आसपास के लोग उनसे करवाऊँगा। प्लस इस जनपद को इस माह में एक्सीडेंट फ्री रखने का संकल्प लिया गया है। कहाँ तक सफल होते हैं सर, जो युवा है स्टूडेंट उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जो युवा है युवा जो युवाओं से मेरी अपील ये है कि जो दौर ऐसा होता है जो गाड़ी स्पीड में चलती ही है उनका, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि थोड़ा सा कंट्रोल करें और हेलमेट लगाएं और माँ बाप का ख्याल रखें, जिसने हम लोग स्कूल के लिए भेजा है कहीं बाहर भेजा है वो उसके बूढ़ी आँखें उसका इंतजार कर रही है, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल खरीद दिया होगा। ऐसा ना हो कि दिया तो मोटरसाइकिल खुशी खुशी विदा किया और बाद में आंसू बहाए उनके लास्ट में, ये बहुत खराब बातें बोल रहा हूँ लेकिन ये मैं आए दिन देखता रहता हूँ। एक्सीडेंट के बाद कुछ बचता नहीं है पर हाथ मलने को रहता है, बहुत पीड़ा होती है, कुछ नहीं बचता, तो वो दिन ना आए इसलिए कोई तौहीन नहीं है। स्पीड कम हो, हेलमेट लगा हो, उसमें कौन सी आपकी तौहीन हो जा रही है? होता क्या है, हम बड़े स्मार्ट हैं, हम यूँ चले जाते हैं, तो ये गलत अच्छी बात नहीं है। हमारी ये उनसे अपील है कि नियम कानून का पालन करें, पालन करवाएँ, एक अच्छी बात है।